नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावनी और मैं आप सबका स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो है इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इश्यू। ये पर्टिकुलर टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया और श्रीलंका के वैसे अगर हम रिलेशनशिप के ऊपर नज़र डालें तो काफ़ी डायनेमिक रिलेशनशिप है, राइट? लेकिन एक कबाब में जो हड्डी है वो है फिशरमैन इश्यू। कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर इश्यू से दोनों देशों के बीच में एक आप कह सकते हैं एक दीवार बन रही है या फिर एक डिस्टेंस हो रहा है, और ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे चाइना भी श्रीलंका में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑफकोर्स आपकी मेंस एग्जामिनेशन के कंटेक्स्ट में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जो आपकी प्रीलिम्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। और आपको ये पता है कि 35% तक ऑफ दिया जा रहा है अभी, एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑन डिफरेंट पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज। डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो studyiq.com की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, ये जो अप टू 35% ऑफ मिल रहा है, दिस इज़ वैलिड ओनली टिल 21st October, सो डू इट फास्ट। फ्रेंड्स, हाल ही में दोनों देशों के बीच में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, और ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग में दोनों देशों ने एक प्रॉमिस किया है, एक दूसरे को एक कमिटमेंट दिया है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन किस बात का? परमानेंट सॉल्यूशन ऑन फिशरमैन, मछुआरों का जो इश्यू है, दोनों देशों के मछुआरों को लेकर जो इश्यू चल रहे हैं उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि सो फार जितनी भी चीज़ें हुई है उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड है, और जल्द से जल्द जितनी भी बोट्स श्रीलंका के पास है, इंडियन फिशरमैन की बोट्स, तो वो जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए। इसी के साथ साथ जो फिशरमैन हैं जो वहाँ पे बंद थे, रिलीज़ किए गए हैं, तो उससे भी काफ़ी इंडिया सेटिस्फाइड है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न ये उठता है कि हमें यहाँ पे यही दिख रहा है कि ज़्यादातर तो इंडियन फिशरमैन ही श्रीलंका की जेल में बंद है, तो ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? इसके पीछे मेन जो रीज़न है वो ये है फ्रेंड्स, कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? प्री के कंटेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए। कई बार आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, LOC और LAC में क्या डिफरेंस है, या फिर LAC कहाँ पे मिलती है और LOC कहाँ पे मिलती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री किन दोनों देशों के बीच में है, या फिर इंडिया की किसके साथ है। तो कीप दिस इन माइंड, राइट? अगर आप इसके ऊपर नज़र डालें, इस फिगर के ऊपर, लेकिन एक काम करते हैं, इससे पहले चलो हम इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के ऊपर ही नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है श्रीलंका, और इन दोनों देशों के बीच में है पानी। इस पानी को, ये जो पानी है जो दोनों देशों को एक दूसरे से, या फिर दो ज़मीनी भाग को अलग करता है, इसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहा जाता है, राइट? तो इस जो ये जो पानी की नहर है उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। इसी के साथ साथ दूसरी भी तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए जानना, वो है पाल्क बे, राइट? ये दोनों साइड में है। ये जो येलो साइड है ये इंडियन वाटर है, और ये जो पिंक है ये श्रीलंकन वाटर है, राइट? ये इंडियन वाटर है, और इन दोनों वाटर के बीच में से एक इंटरनेशनल इंडो श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री निकल रही है। आप देख सकते हैं, दिस लाइन इज इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, राइट? तो ये है पाल्क बे के बारे में बताया। और लास्ट में जो चीज़ है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। आपको ये सारी चीज़ें एकदम पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्रिस्टल क्लियर ये पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इस इश्यू को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ना आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस है, ये ऑफकोर्स एक जूम मैप है, बहुत ही जूम किया गया है, फोकस्ड मैप है या फिर थीमेटिक मैप है, तो यहाँ पे हम इस एरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तो आप पाएंगे कि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है दोनों देशों के बीच में, और ये भी हो रहा है कि दोनों देशों के जो फिशरमैन है वो फिलहाल बहुत ट्रेडिशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जैक्टली कभी कई बार ऐसा भी होता है, पता नहीं चलता है कि कब उन्होंने ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो क्रॉस करके श्रीलंकन वाटर में पहुंच गए। दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि जिस तरीके से एक ट्रोलिंग की जा रही है, राइट? ट्रोलिंग का मतलब है एक ऐसी बोट का उपयोग करना जो ज़मीन में से या फिर बॉटम में से
जो समुद्र है उसके बॉटम में से जितनी भी चीज़ें हैं उसको उठा लेता है। फिश के साथ साथ दूसरी भी चीज़ें इस नेट में आ जाती है और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा भी करने वाले हैं। आई विल एक्सप्लेन यू के बॉटम ट्रोलिंग क्या है। तो ये जो प्रैक्टिस है बॉटम ट्रोलिंग की, इसको बहुत सालों से करने के मीन्स बहुत लंबे टाइम से ये तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं इसे प्रैक्टिस करते थे। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मछली भी अब नहीं रही है, तो ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए यहाँ पर श्रीलंकन वोटर्स में भी घुस जाते हैं। तो इसी से ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं, 2014, 2015, 16, 17 का भी आंकड़ा है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अरेस्ट किए जाते हैं। और अरेस्ट करने के बाद ये पूरी की प्रोसेस जो है वो ये होती है कि स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर श्रीलंका के साथ डिस्कस होता है, ऑन नेशनल लेवल दोनों देश बात करते हैं, और इसी के साथ साथ वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट है नॉर्थन साइड की, तो उनके फिशरमैन भी उन रीजनल यानी कि वहाँ के जो स्टेट है उनके ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। तो ये पूरा का पूरा तनाव का माहौल हो जाता है। इसी साल इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फिशरमैन हैं वो ऐसे बॉटम ट्रोलिंग करते थे, तो इसी को रोकने के लिए श्रीलंका ने एक लॉ पास किया है, राइट, श्रीलंका की पार्लियामेंट ने, और ये पास हुआ 6 जुलाई 2017 को, तो इसी साल थोड़े महीनों पहले ही हुआ है। और ये एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट टू द फिशरीज एंड एक्वाटिक रिसोर्सेज एक्ट। और इसका जो मेन मकसद है वो ऑफकोर्स ये जो ट्रोलर्स हैं, बॉटम ट्रोलर्स तमिलनाडु से आने वाले, और वहाँ के जो लोकल बॉटम ट्रोलर्स हैं उनको भी रोकना। और इस अमेंडमेंट के तहत बॉटम ट्रोलिंग को एक ऑफेंस माना जाएगा और इसी के साथ साथ अब 2 साल की सज़ा भी होगी और 50,000 रुपये का जुर्माना भी होगा, राइट, अगर कोई भी बॉटम ट्रोलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो। नाउ द थिंग इज के ये जब ये लगता है कि श्रीलंका ने एक पार्लियामेंट में एक्ट पास कर ली, लेकिन अब ये होगा फ्रेंड्स के पहले जो डिप्लोमेटिक रिलेशन या डिप्लोमेटिक चैनल्स है जो हम इश्यू सॉर्ट आउट कर लेते थे, अब क्या होगा कि जुडिशियरी भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, राइट, बिकॉज इट इज़ अ लॉ। और जुडिशियरी के इंक्लूड होने से ये होगा कि श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो अब कुछ नहीं कर पाएगी, वो सारी की सारी चीज़ें जुडिशियरी देखेगी। तो अगर इंडिया के साइड से कोई फिशरमैन पकड़ा गया और ये प्रूव हो गया कि यस ही और शी वाज डूइंग बॉटम ट्रोलिंग, तो फिर 2 साल तो पक्के ही पक्के हैं और इससे फिर रिलेशनशिप और बिगड़ेंगे। और बॉटम ट्रोलिंग की अगर देखें बात करें तो फ्रेंड्स ये जो टेक्नोलॉजी है ट्रोलिंग टेक्नोलॉजी, ये इंडो नॉर्वेजियन एग्रीमेंट के तहत 1968 में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फिश या फिर प्रॉन्स को कैच कर सकें और इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करें जिससे कि ज़्यादा पैसे कमा सकें। अर्ली ईयर्स में अगर हम नज़र डालें कि दोनों फिशरमैन जो हैं, दोनों देशों के फिशरमैन इंडिया और श्रीलंका के, तो इनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, बहुत ही एफ्लुएंट थे यानी कि पैसे वाले थे। जो जाफना है श्रीलंका का एरिया, तो वहाँ के फिशरमैन बहुत ही पैसे वाले थे और उनके पास पावर्ड बोट्स भी रहती थी। और फिर जब श्रीलंका में एक सिविल वॉर हुआ, राइट, हम जानते हैं LTT और तमिल टाइगर्स और थिंग्स लाइक दैट, तो ये सारी चीज़ें हुई तब तक यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, इस बॉटम ट्रोलर्स का, राइट, मैकेनाइज्ड ट्रोलर्स का। और इससे फिर स्टार्टिंग में बेसिकली तमिलनाडु के फिशरमैन ने शुरू किया और सिविल वॉर के टाइम पर अंधाधुंध इसका उपयोग होता रहा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय होती रही, राइट, बहुत सारी फिशेस और उसके जो रिसोर्सेज हैं या फिर उनकी जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और धीरे धीरे दूसरी साइड के भी जो तमिल लोग थे, श्रीलंका के तमिल लोग, तो उन्होंने भी इसका उपयोग कर लिया और बाद में चीज़ें बिगड़ती गई। और ज़्यादातर ये भी हो रहा है आजकल के अगर हम कंपेयर करें तो श्रीलंका के फिशरमैन के पास फिलहाल ज़्यादातर फिशरमैन के पास ट्रेडिशनल बोट्स हैं, राइट, तो ट्रेडिशनल बोट्स होने के कारण वो जो ट्रोलर्स हैं उनको कम्पीट नहीं कर पाती। और जब कम्पीट नहीं कर पाती तब ये होता है कि बेसिकली कि ये ट्रोलर्स एक बार कहीं पर किसी एरिया के ऊपर होते हुए निकल गए तो बाद में वहाँ पे कुछ नहीं बचता और ट्रेडिशनल फिशरमैन के हाथ में कुछ नहीं आता। और धीरे धीरे जिस तरीके से इससे डिस्ट्रक्शन होता है तो आगे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, फ्रॉम तमिलनाडु साइड जो श्रीलंकन साइड है उस तरफ डीप पेनिट्रेट होते ही जा रहे हैं हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन, एक्सक्यूज मी। और अगर हम एक बिग पिक्चर देखें तो हमें यह भी पता चलता है कि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्थन साइड है, ये मनार है, इसके साथ साथ जाफना है, फिर ये भी एक एरिया है। तो यहाँ के अगर आप
रफली टोटल भी लगाएं तो आपको पता चलेगा समवेयर अराउंड 1,70,000 जितने फिशरमैन जो हैं यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की कम्युनिटी में है, राइट, फिशरमैन कम्युनिटी श्रीलंका की। और इस फिगर के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि 50,000 ऐसे फैमिलीज हैं तमिलनाडु में जो पोचिंग करते हैं श्रीलंकन रिसोर्सेज के ऊपर। इसके साथ साथ बहुत सारी जो यहाँ पे, तकरीबन फिलहाल ये आंकड़ा घटकर अब 2000 हो गया है, लेटेस्ट आंकड़े की अगर हम बात करें तो 2000 जितने ट्रोलर्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके लिए जो एन्यूअल लॉस हो रहा है फिशरिंग, ये इंडियन पोचिंग से श्रीलंका को, तो वो है 47 बिलियन रुपीज़। ये कम रुपए नहीं है, राइट। अप्रोक्सीमेट पोचिंग श्रीलंकन वाटर में 70,000 to 1,00,000 मेट्रिक टन की फिशेस को, फिशेस का पोचिंग हो रहा है। तो ये ऑफकोर्स हमें पता चलता है कि जो लॉ निकाला गया श्रीलंकन पार्लियामेंट के द्वारा, तो अपने जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है, अपने जो फार्मर्स के इंटरेस्ट है, तो उसको बचाने के लिए ही निकाला गया है। और अगर हम ग्राफ के ऊपर भी नज़र डालें फ्रेंड्स, तो 1980 से लेकर 2013 तक अगर आप देखें, जो डार्क ब्लू है बेसिकली वो 1980s का सिनारियो है। तो जाफना का ही अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए, जाफना में 55,000 से 50,000 मेट्रिक टन के बीच में इतनी मछलियां पकड़ी जाती थी, लेकिन वो 2013 में सिर्फ 20, यानी कि लगभग 50% इसमें रिडक्शन आया है। और इसी तरह से आप जीडीपी में भी देखें तो श्रीलंकन जीडीपी में जो फिशरी का रोल है तो उसमें भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। तो इसको चीज़, ये जो बॉटम ट्रोलिंग है, मेन कंटेंशन यही है कि बॉटम ट्रोलिंग से ये सारी चीज़ें हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई विल शो यू व्हाट बॉटम ट्रोलिंग इज़ ऑल अबाउट। तो देखिए, बॉटम ट्रोलिंग में बेसिकली ये नेट रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ बोट, राइट। और इस बोट, ये बहुत ही पावरफुल इंजन वाली बोट रहती है फ्रेंड्स, राइट। इसका जो इंजन है वो बहुत ही पावरफुल रहता है। और फिर ये नेट है, आपके दो रस्सियाँ हैं, बहुत ही मजबूत होती है ये भी। और ये जो नेट आप देख रहे हैं, राइट, ये नेट बॉटम तक चली जाती है, इसका एक वज़न रहता है और फिर ये जो पावरफुल बोट है वो चलने लगती है। और ये पूरी की पूरी जो नेट है ये ड्रैग होती है, जो सी फ्लोर है, जो इसका फ्लोर है सी का, तो उसके साथ ये ड्रैग होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ जो हैं अंदर कैप्चर हो जाती है। और इसी के साथ और एक चीज़ मैं बताऊँ फ्रेंड्स आपको, तो ये है कि शायद आपको इसकी साइज़ का जो एक अंदाज़ा है वो इस पिक्चर से ना आए, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, राइट, उतनी बड़ी भी ये नेट हो सकती है या उससे भी बड़ी नेट हो सकती है। कई बार दो बोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, तब उस टाइम पे तो जो नेट होती है वो बहुत ही ह्यूज रहती है और ये पूरा का पूरा जो ओशियन फ्लोर है उसको क्लीन कर देती है, राइट, एक डीप क्लीन हो जाता है। और ये एक वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, ये सिर्फ इंडियन या फिर तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वही नहीं करते, ये दुनिया में बहुत अलग अलग जगहों पर ये सारी चीज़ें की जाती है, ये बॉटम ट्रोलिंग। और इसके बहुत ही भयानक परिणाम भी हैं, जो कोरल्स रहती है इसको भी नुकसान करता है, फिशेस को, अदर एनिमल्स को, स्पॉन्जेस को, ये सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स ये डिस्ट्रॉय कर ही देता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी जो चीज़ें नेसेसरी नहीं हैं उसको भी उखाड़ कर ये अपने आप में लेकर चलता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो सेडिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पूरे साल में, राइट, पूरे साल में जो नदी से जो छोटे छोटे कंकर हैं, ये सारी चीज़ें जब ओशियन के अंदर वाया रिवर जो भेजी जाती है वो लगभग 22 गीगा टन्स रहती है, वो सिर्फ एक बार में, राइट। ये इतना ज़्यादा, अगर एक बड़ी सी ट्रोलिंग बोट चली जाए तो वन टाइम में इतनी सारी मिट्टी जो है उसको यहाँ से वहाँ कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है। और अलग अलग सी बेड, राइट, हर जगह पर अलग अलग सी बेड रहते हैं और अलग अलग सी बेड पे के ऊपर इसकी अलग अलग इफ़ेक्ट रहती है। जैसे कि ट्रोलिंग से जो नेचुरल सी फ्लोर है, आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम है, राइट, ये एक इकोसिस्टम है और यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, फिशेस भी हैं, छोटे बड़े प्लांट्स हैं, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो नेचुरल सी फ्लोर जो हैबिटेट है उसको ये ट्रोलिंग से रोटोटिलिंग होती है इसकी, और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, राइट, ये जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उसको अपरूट कर देना, उसको मार डालना, ये सारी चीज़ें होती है इसके साथ। इसके साथ ही जो न्यूट्रिशन लेवल है,
इस फ्लोर के, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरा का पूरे पानी की जो केमिस्ट्री होती है वो चेंज हो जाती है. फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो जो प्रोसेस रहती है इसको भी एक बिकॉज ये जब ये नेट इसके ऊपर से निकलती है तो ऑफकोर्स पूरे का पूरा जो पानी है वो मिट्टी वाला पानी हो जाता है, तो बहुत टाइम तक ये सेटल नहीं होता, तो इससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट होती है. फिर करंट्स के द्वारा ये जो रिससस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं, राइट, ये जो छोटे छोटे मिट्टी है, ये सारी चीज़ें जो एक नेचुरल फ्लो रहता है ओशियन करंट का, तो उसके साथ वो दूसरी जगह पर भी बहकर चली जाती है और दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाती है और इससे परमानेंट लॉस भी होता है इस इकोसिस्टम का. और यहाँ पे एक इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँ, देखिए फ्रेंड्स, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, राइट, यहाँ पे ये कोस्ट है और कोस्ट के बाद ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है. जनरली स्पीकिंग इस एरिया तक ही ये सारी बोट्स हैं ये ऑपरेट करती है, यहाँ तक नेट भेजना इनके बस की काम बात नहीं है. 4000 मीटर डाउन इट इज़ नॉट पॉसिबल, वहाँ पर मछलियाँ भी वो नहीं रहती जो हम कंज्यूम करते हैं. तो यू फाइंड ऑल दिस फिशेस हेयर इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और यहाँ पे से जो मिट्टी है वो फिर चले जाए और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट हो जाए इस फ्लोर में, तो इसका पूरा का पूरा जो इसकी पूरी इकोसिस्टम है दैट इज़ फिनिश्ड फॉर एवर, आप समझ सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ तक आपको बहुत, यहाँ तक रफली स्पीकिंग इसके बाद आपको लाइट भी देखने को नहीं मिलती, राइट, और पानी जो है बहुत ही ठंडा होता जाता है जब 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 हम नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे जो लाइफ होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट रहती है. यहाँ की जो लाइफ है वो सारी चीज़ें हमारे उपयोग में आ सकती है एज़ फार एज़ हम उसका सस्टेनेबल यूज़ करते हैं. फिर सॉफ्ट मड है तो उसको बेयर रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज जो पूरी की पूरी सॉइल की जो परत है वो फिर इससे हटकर दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, तो बाद में पत्थर ही जो हार्ड रॉक्स हैं वो दिखने लगते हैं और इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जो लाइफ है एक्वाटिक लाइफ वो होना पॉसिबल नहीं है. और डाइवर्सिटी और हैबिटेट के ऊपर तो आप क्या बताऊं, जो मैंने बताया इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं या दूसरे जो छोटे छोटे जीव हैं इसके ऊपर जो छोटी मछलियां हैं या मीडियम मछलियां हैं वो डिपेंडेंट होती है, इसी के ऊपर जो बड़ी मछलियां हैं वो डिपेंडेंट होती है, तो पूरी की पूरी जो फूड चेन है एक्वाटिक फूड चेन वो हिल डुल जाती है, राइट, और ज़्यादातर अगर हम देखें तो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है. इसी के साथ ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है फर्डिनांड ओब्रेल, तो उन्होंने इनके इस विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उन्होंने उनका कहना ये है कि कोई भी किसान जो है वो जब तक जो पत्थर है दिखने लगे तब तक वो हल नहीं चलाएगा, लेकिन जो फिशरमैन है वो जिनकी जो समुंदर है उनकी खेती ही कही जाती है तो उसकी ये हालत कर रहा है, तो ये बहुत ही अनसस्टेनेबल है. तो इसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए डियर फ्रेंड्स, और दोनों देशों के बीच में क्या हो रहा है. देखिए नवंबर 2016 में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज JWGF की बात हुई और JWGF लॉन्च किया गया. इसमें तीन मुख्य पॉइंट हैं, एक तो हॉटलाइन होगी यानी कि दोनों कोस्ट गार्ड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि JWG जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप, तो ये हर 3 मंथ्स में इनकी मीटिंग होगी और दोनों साइड में जो मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग एवरी 6 मंथ में होगी, तो ये इससे एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, एक दूसरे को अपडेट करते रहेंगे. और ये डिसीजन लेने के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि इंडियन फिशरमैन और श्रीलंकन फिशरमैन के बीच में जो डिस्कशन हुई वो फेल रही, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, फिर गवर्नमेंट दोनों देशों की गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया कि JWGF को ही आगे बढ़ाया जाए और इसमें कमिटमेंट भी जो है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है, जैसे कि किसी भी प्रकार का वायलेंस ना हो, किसी की जान का नुकसान ना हो और इसी के साथ साथ ये जो बॉटम ट्रोलिंग प्रैक्टिस है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, राइट, और जॉइंट पेट्रोलिंग भी किया जाए जिससे कि बॉटम ट्रोलिंग यहाँ पे ऑपरेट ना हो पाए. देखिए फ्रेंड्स, ये तो JWEC जो तकरीबन 1 साल हो गया इसको आने से, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है? नहीं, फिलहाल ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हम सेफली कह सकते हैं कि वी आर इन राइट डायरेक्शन, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और होता यह है कि जो फिशरमैन है रूरल फिशरमैन तमिलनाडु के, तो उनकी भी एक डिमांड थी, उन्होंने ये कहा कि 85 डेज पर ईयर हमें यहाँ पे ट्रोलिंग करने का मौका दिया जाए, लेकिन वहाँ के जो जाफना के फिशरमैन हैं उन्होंने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया. और ये सारी जब चीज़ें होती है तब
अच्छा यही है कि ऐसी कोई जो ग्रुप है JWG है, तो यही इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि देखिए होता यह है कि इंडिया के फिशरमैन के जो इश्यूज़ हैं वो फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीलंका के बीच में इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। इसी के कंटेक्स्ट में जब इन दोनों के बीच में, श्रीलंकन फिशरमैन और तमिलनाडु फिशरमैन के बीच में जब झगड़े होते हैं, तब वहाँ की भी स्थिति यही रहती है, वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट को बताएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, और वहाँ की गवर्नमेंट फिर श्रीलंकन। तो ये इश्यू जो है ये साइकिल आगे पीछे चलती ही रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन दोनों देशों को ध्यान में रखनी है वो ये है, चाइना, पर्टिकुलरली इंडिया को जो चाइना का पेनिट्रेशन है उसके बारे में बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली थिंक करना चाहिए। तमिलनाडु को भी इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए, दोनों को शोल्डर टू शोल्डर साथ में चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये सारे इश्यूज होते रहे तो चाइना श्रीलंका को एक सक्सेसफुल कॉलोनी बनाने में सफल हो जाएगा, और इसी के साथ हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, डीप सी फिशिंग। देखिए अंग्रेजी में डीप के दो मतलब हो सकते हैं, कई बार हम कहते हैं कि बहुत अगर गहराई में जाए तो भी डीप कहा जाता है, और कई बार आप किसी चीज़ में बहुत आगे जाए तो भी डीप कहा जाता है। तो जब हम ये ओशियन की बात करते हैं, राइट, तो डीप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप यहाँ पर, राइट, ये जो वर्टिकल है वो नहीं है, हॉरिजॉन्टल अगर आप आगे जाते हैं तो इसे भी डीप ही कहा जाता है। तो दिस इज़ डीप सी फिशिंग, राइट, आगे भी जाना और थोड़ी गहराई में भी जाना, दैट्स टुगेदर यू कैन रफली से दैट इट इज़ डीप सी फिशिंग। डीप सी फिशिंग में फ्रेंड्स ये होता है कि बेसिकली आपको दूर तक जाएंगे तो नज़दीक के जो ये एरिया हैं श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, तो इसमें फिशिंग नहीं होगी, पर्टिकुलरली ये ट्रोलिंग खत्म हो जाएंगे। और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 500 डीप सी फिशिंग बोट प्रोवाइड करने की भी बात कही है, और आने वाले 3 सालों में 2000 जितनी डीप सी फिशिंग बोट प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो ट्रोलिंग है, ये ख़त्म हो जाए। और डीप पार्ट्स में जब हम जाते हैं तब वहाँ पे फिश भी ज़्यादा मिलती है, और इससे ये भी एक प्रैक्टिस, ये जो चीज़ है डीप सी, ये वर्ल्ड ओवर में प्रैक्टिस की जाती है, और इसके कोई इकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि ये जब आप डीप ओशन में जाते हैं आपको बड़ी मछली भी मिलती है, और जब हम ट्रोलिंग का उपयोग नहीं करते तो एक नेचुरल साइकिल से, राइट, वो फिशेस जो हैं वो रिज्यूमिनेट भी हो जाती है, तो इससे नुकसान भी नहीं होता। और डीप सी के लिए जो आपको बोट चाहिए वो डिफरेंट रहती है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बड़ी बोट है, राइट, तो जो सामान लेकर आप आएंगे वापस वो भी बड़ी होगी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको ऑफिशियली, इस स्कीम को या फिर इस प्रोजेक्ट को, डीप सी प्रोजेक्ट को, फिशिंग के प्रोजेक्ट को लॉन्च भी कर दिया है रामनाथमपुरम में, और नियरली 14,000 फिशर्स जो हैं, फिशरमैन हैं, उसको इससे ट्रांजिशन में लाया जाएगा फ्रॉम ट्रोलिंग टू डीप सी, और 1,000 जो फिशरमैन हैं, राइट, कन्याकुमारी के और नागापट्टिनम के डिस्ट्रिक्ट के, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इसके जो बेनिफिट्स है वो ये है डियर फ्रेंड्स, के सबसे पहले तो ये जो बोट है इसकी, ये ऑफकोर्स ये थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपीज़ जितनी है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 50% इसमें लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट 20%, तो ये हो गए 70%, राइट, सो फार, और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से 20-30% जितने जो पैसे हैं तो ये एक बैंक के द्वारा अच्छे, यानी कि रीजनेबल रेट के ऊपर मिलेंगे। बेनिफिशरी जो हैं, जो फिशरमैन हैं, उसको 10% ही लगाने हैं। और इसकी दूसरी टेक्निकल डिटेल के बारे में बात करें तो इसकी जो वोयाज है, जब आप समंदर में एक बार निकलते हैं तो तकरीबन फोर्टनाइट से लेकर 1 मंथ, यानी कि एक पखवाड़े से लेकर 1 महीने तक आपको अंदर रहना पड़ता है, लेकिन बोट भी बड़ी है तो सारी चीज़ें भी अंदर है, फैसिलिटी इसी के साथ साथ। जो कैच है वो नियरली 8-10 टन है, और ये हाई वैल्यू फिशेस होती है, और तकरीबन एक जो जर्नी है, 1 वोयाज कैन फेच 7-8 लाख रुपीज़ ऑन एवरेज, राइट। और जो लॉन्ग ट्यूना बोट है, ये जो बोट है इसे लॉन्ग ट्यूना लॉन्ग लाइनर भी कहा जाता है, और इसमें ट्रोलिंग नहीं की जा सकती, और ये पाल्क बे में ऑपरेट भी नहीं करेगी, तो ये सारे इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे जो फिशरमैन हैं उनका ये कहना है कि भाई ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये 10% का, 80 लाख का 10%, यानी कि 8 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसे कम किया जाए। लेकिन फिर वहाँ के जो तमिलनाडु फिशरीज डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि भैया आपसे मिलकर ही बात की थी, तभी
हम इस फिगर तक पहुंचे हैं तो नाउ इट इज़ फाइन. अगर फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत है तो ऑफ कोर्स वी विल सॉर्ट इट आउट, वी विल फाइन ट्यून इट. अगर आपको पैसे पे करने में या फिर ऐसी कोई इश्यूज़ हो रहे हैं जेन्यून इश्यूज़ तो वी कैन वर्क आउट. और इसी कंटेक्स्ट में सितंबर में ही राइट ये एक तमिलनाडु की फिशरीज यूनिवर्सिटी ने एक वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था चेन्नई में. और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि किस तरीके से एक माइग्रेशन हो, किस तरीके से ट्रोलिंग में से आप लोगों को डीप सी तक माइग्रेट कर सके, किस तरीके से डीप सी फिशिंग एक अल्टरनेटिव के रूप में आगे आ सकता है. और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया के ब्लू रेवोल्यूशन मिशन की बात करें या फिर ब्लू रेवोल्यूशन जो विजन है इंडिया का, तो ये विजन वही यही है कि डीप सी फिशिंग का प्रमोशन हो. और डीप सी फिशिंग यानी कि जब आप दूर दराज समंदर में जाते हैं तो फिशेस का जो 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 कैच आपको मिलता है वो भी ज़्यादा रहता है. और 200 नॉटिकल माइल्स राइट, वन नॉटिकल माइल इज़ समवेयर अराउंड 1.8 किलोमीटर राइट. जो नॉर्मल माइल रहता है वो 1.6 रहता है, लेकिन दिस वन इज 1.8 नॉटिकल माइल्स. तो यू कैन कैलकुलेट, यू कैन नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड नियरली 300 किलोमीटर्स राइट, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक. तो यहाँ से अगर आपकी ये बॉर्डर है तमिलनाडु की तो यू कैन गो टिल 300 किलोमीटर्स इन बे ऑफ बंगाल, यहाँ तक आप जा सकते हैं. और तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको मिलता है. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पर, तो वन शुड एक्सप्लोइट इट. और चैलेंजेस ऑफ कोर्स, किसी भी नई चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो इसके चैलेंजेस भी रहते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कहते हैं क्या यहाँ पे सफिशिएंट स्टॉक है. दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो नॉर्मल ट्रोलिंग है राइट, वो वन डे अफेयर हो रहता है, यानी कि आप सुबह जाइए शाम तक आप वापस लौट आएंगे, क्योंकि आपको बहुत डीप नहीं जाना होता है. लेकिन यहाँ पे आपको बहुत डीप जाना होता है तो उसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए. क्या ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी. दूसरी चीज़ वो ये है कि एक रिपोर्ट आई थी वर्किंग ग्रुप ऑफ रीवैलिडेटिंग द पोटेंशियल ऑफ फिशरीज रिसोर्सेज इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो ये रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बात हुई कि इतने 2,08,000 टन जितनी यील्ड है यहाँ पर, पोटेंशियल यील्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन इस रिपोर्ट ने जो स्टॉक है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइड की. इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री के भी इश्यू हैं, क्योंकि हमें पता है बे ऑफ बंगाल की ही बात करें तो आपको वहाँ पे बांग्लादेश के फिशरमैन मिलेंगे, म्यांमार के फिशरमैन मिलेंगे, तो इनसे भी टकराव, ये सारी चीज़ें हो सकती है. तो इसके बारे में क्या सॉल्यूशंस है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं. फिर ऑपरेशन जो कॉस्ट है, ऑफकोर्स आप डीप जब जाते हैं तो उसके कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं. और जो ट्रोल क्र्यू है फिलहाल, जो अब तक जो ट्रोलिंग में काम करते थे, तो उसका क्या होगा. तो ये सारे चैलेंजेस है. लेकिन मेरा ये स्ट्रॉन्गली मानना है कि अगर हम में विल है राइट, अगर विल की बात करें तो अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या फिर इसके साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट और दोनों देशों की फिशिंग फिशरमैन कम्युनिटी है, अगर ये मिलकर एक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स वी कैन सॉर्ट इट आउट. और वे अहेड यही हो सकता है फ्रेंड्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डीप सी फिशिंग बोट को डिप्लॉय करें, डीप सी फिशिंग ये जो ट्रोलिंग बोट्स है उसको निकाल दे इस एरिया में से, उसको डाउनसाइज करें. और इसके लिए मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जॉइंट मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है, एक दूसरे को रिपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक दो टेक्निकल सेंटर्स खोलने की भी बात कही है, एक ट्यूटिकोन में और एक थुथुर में. और जो वाइस चांसलर है TNFU के, तो उन्होंने भी कहा है कि हम शोर लैब फैसिलिटी भी ओपन करेंगे यूनिवर्सिटी में. फिर किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है डीप सी में, किस तरीके से नेविगेशन की जाती है, ये सारी चीज़ों के लिए हम फिशरमैन को ट्रेन भी करेंगे. ऑन बोर्ड ट्रेनिंग यानी कि उनको समंदर में ले जाना और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें भी की जाएगी राइट. और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट इसके बारे में सोच भी रही है, जैसे कि बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिसमें जो क्रू मेंबर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको स्किल प्रोवाइड की जाए और उनकी जो इकोनॉमिक लाइवलीहुड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए राइट. और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आप कहें कि अच्छी चीज़ें यह है, पॉजिटिव साइड ये है कि देखिए फिशरमैन है, उनका एक अटैचमेंट रहता है, नेचुरल अटैचमेंट रहता है सी के साथ. तो अगर हम उनको राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें राइट, तो वो एडॉप्ट भी जल्दी ही हो जाएंगे राइट. इट इज़ नॉट ए थिंग के वो एडमेंट है ट्रोलिंग ही करना है. जब हम उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाते हैं, जब हम उनको ट्रोलिंग के बारे में, बॉटम ट्रोलिंग के बारे में अगर हम उनको डिटेल में समझाते हैं, तब उनको पता चलता है कि इस चीज़ों से, जिस
समुंदर की ये लोग पूजा करते हैं उसका ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट एज वेल, लेकिन 50% उनको भी आगे आना होगा और 50% गवर्नमेंट को भी आगे होना आना होगा। इसी के साथ साथ हमें ये भी समझना है दोनों देशों को, इंडिया और श्रीलंका को, कि ये कोई कंटेस्टेड एरिया नहीं है, यहाँ पे हमारे दोनों देश के बीच में कॉम्पिटिशन नहीं है, इनफैक्ट ये एक कॉमन हेरिटेज है, क्योंकि आप देखें दोनों जो एरिया यहाँ पे भी तमिलनाडु का जो पार्ट है और यहाँ पे श्रीलंका का पार्ट है, यहाँ दोनों जगहों पर तमिल लोग ही रहते हैं, इज़न्ट इट, तो इनके रूट्स एक है इंडिया और श्रीलंका के। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत डायनामिक है, बुद्धिज्म से लेकर सिक्योरिटी तक आपको हर एरिया में, हर स्पेक्ट्रम के अलग अलग कलर्स आपको इन दोनों के रिलेशन में दिखते हैं। तो ये हमारा जो कॉमन हेरिटेज है उसको भी हमें मेंटेन करना है, और पाल्क बे अथॉरिटी एक क्रिएट की जानी चाहिए जिससे कि दोनों देश मिलकर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और फिशरमैन के जो इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ों, इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं दोनों देशों के बीच में से, एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बने, ये सारी चीज़ें एक पाल्क बे अथॉरिटी के द्वारा की जा सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था, वी कैनॉट डू एनीथिंग विद द बॉर्डर्स बट वी कैन ट्राई टू मेक देम इररिलेवेंट। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो बॉर्डर्स है इसके साथ ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम हाँ ये कोशिश कर सकते हैं जिससे कि बॉर्डर्स रहे ही नहीं, राइट, दोनों देशों के बीच में बॉर्डर्स ऑफिशियली भले ही हो लेकिन इनफॉर्मली कोई बॉर्डर्स ना हो। तो ये जो माहौल है ये तीन लेवल पर हो सकता है, एक नेशनल लेवल पर, राइट, दोनों देशों के बीच में, फिर स्टेट लेवल तक दोनों देशों के स्टेट के बीच में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पीपल टू पीपल के बीच में, राइट, जब दोनों देश के फिशरमैन एक दूसरे को भाई मानकर या एक दूसरे को एक इकोसिस्टम का पार्ट मानकर जब काम करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे, देन इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू सॉर्ट आउट बिटवीन दिस टू नेबर्स। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज की जो डिस्कशन है उसको हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर से मैं आपको सबको बताना चाहूँगा कि 21 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, ये जो अप टू 35% डिस्काउंट मिल रहा है अलग अलग पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस, और इसके साथ बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं, प्लीज़ गो टू studyiq.com टू नो मोर अबाउट इट, और अगर कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन यूज़ द चैट सपोर्ट अवेलेबल ऑन studyiq.com, और आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी studyiq यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर भी हिट कर दीजिए जिससे कि जब कभी भी ऐसे फ्यूचर में लेक्चर्स हों तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, इससे उन लोगों को भी इस जो एक कॉन्सेप्ट है नालंदा, यानी कि जो नॉलेज की रिवर है उसको हमेशा फ्लो होते रहना चाहिए, तो ये भी एनवायरनमेंट हमें ही क्रिएट करना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें जानने को मिली है, अगर आपको समझ में आई है, आपको पसंद आया ये लेक्चर, तो प्लीज़ गिव अस योर लाइक, और इसी के साथ आप अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स भी इसमें लिखना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं प्रशांत माउनी आपसे परमिशन चाहता हूँ टू से यू गुड बाय, आई विल सी यू ऑल सून, एन्जॉय योर दिवाली, जय हिंद। या फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं कि अप टू 21% ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन डिफरेंट पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस, और ये सिर्फ 21 अक्टूबर तक ही वैलिड है।